सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार को रणजी मैच में एंट्री तो मिल गई है, लेकिन आगे की चुनौतियां बेहद कठिन होंगी। करना पड़ा, बाकी सब कितने साल का फ्यूचर बर्बाद हो गया इस कारण। 17 सालों में फील्ड होनी चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्टेडियम का थोड़ा वो होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए और यहाँ पे एक अच्छे कोच की जरूरत है, पर वो अभी यहाँ है नहीं है। जिस तरह से फ्लेशन मिला धीरे धीरे यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट आएगा। बच्चों लोग ने हिम्मत नहीं आ रहा, हम लोग भी हिम्मत नहीं आ रहे। हम ये सब आज ना कल सफलता मिलेगा और सफलता ये 2018 में मिला, बहुत खुशी हमें। जब से मालूम हुआ है तब से अपने अपना पिच बनाने में लग गए हैं कि हमको पिच अच्छा बनाना है और इम्प्रूव करके परफॉर्मेंस देना है, अपने स्टेट टीम में जाना है। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ है आशीष सिन्हा जो कि 2011-12 में झारखंड रणजी मैच खेल चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं बिहार को रणजी ट्रॉफी में मान्यता मिलने के बाद इनका क्या राय है। 2000 में बिहार झारखंड अलग हुआ और उसी समय से सारा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर वो झारखंड चला गया। 2003-04 तक, 5 तक इनफैक्ट बिहार झारखंड एक नाम से ही खेलते रहे। उस समय कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं था, लेकिन 2004-05 के बाद पूरी तरीके से बिहारी प्लेयर्स को झारखंड जाना पे पाबंदी लग गई, मतलब झारखंड में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 2005 के बाद से बिहार अकेला हो गया और उस समय से लेकर आज 2017 तक बिहार वो संघर्ष करते आए हैं और आज सभी खिलाड़ियों के लिए, अधिकारियों के लिए और बिहार के लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में अपना करियर देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को अपने जहन में उतार कर आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा आज अचीवमेंट वाला दिन है। आप तो रणजी प्लेयर खेल चुके हैं, बिहार में लगता है कि बिहार के प्लेयर अभी का जो वर्तमान जो हालात है यहाँ पे क्रिकेट को वैसे में खेल करके वो बिहार को रणजी में रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, जो क्वेश्चन है आपका वो बहुत सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, लेकिन फिर भी बिहार में बहुत पोटेंशियल है। बिहार के कई सारे सभा करीम से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक जब वो पहला अपना इंटरनेशनल परचम लहरा रहे थे तो वो बिहार के ही टैलेंट से गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कमी है, जो गैप हो गया है, वो धीरे धीरे उसको पाटना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को सरकार को और खासकर करके जो एसोसिएशन है उसे खिलाड़ियों के हित में, खिलाड़ियों के वेलफेयर में वो कितना काम कर सकेंगे इस पर निर्भर करेंगे। आज हमने मोहिनी स्टेडियम में भी अंदर से जाकर के देखा, वहाँ का हाल इतना बुरा था कि वहाँ पे बस एक डंपी यार्ड लोगों ने बनाकर उसे रख दिया है। तो इस अब सरकार को जब अगर ये सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर मिला है, इसके बाद उसने 300 करोड़ रुपए की जो फंडिंग होने वाली है, तो वो आपको ये जो फंडिंग होने वाली है उससे डेवलपमेंट का तो काम होना चाहिए उसमें। उसके लिए 300 करोड़ की जो बात है, 300 करोड़ जिस समय इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, आरजेडी और जेडीयू की गवर्नमेंट थी, उस समय तेजस्वी यादव भवन निर्माण के मंत्री थे, उनके विभाग से 300 करोड़ रुपया पास हुआ था सिर्फ स्टेडियम टूटने का, उसका जीर्णोद्धार या उसका रेनोवेट कराने के लिए नहीं हुआ। 300 करोड़ था कि उसको तोड़ा जाएगा और फिर नया टेंडर निकलेगा स्टेडियम को बनाने का, लेकिन वो बात तो गर्त में भी लग रही है। और वहाँ पर जो डंप यार्ड आप देख रहे हैं, वहाँ साइंस सिटी की बात हो रही है, स्टेडियम का हालत बहुत ख़राब है और स्टेडियम छोटे फंड से नहीं बन सकता है। आप ये पूरे जो ये प्रक्रिया है इसमें आपका क्या राय है, आप क्या चाहते हैं डेवलपमेंट हो या जो खामियां हैं वो क्या क्या उजागर हो और कैसे ठीक हो, आप अपने शब्दों में बताएं। रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक अलग क्रिकेट है, एक अलग पैरामीटर इस देश में। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को इन लोग एक अलग नज़र से देखते हैं। उस लेवल पर आने के लिए हमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, खास करके जो आने वाले प्लेयर्स हैं, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं और जो प्लेयर्स अभी स्टेबल कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक अलग प्रोसेस तैयार करके बाहर से कोच बुला कर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिहार में लेवल जो एनसी के लेवल एबीसी कोच होते हैं वो बहुत सारे कोचेज हैं, तो कुछ दिन हमको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के कोच को बुलाकर बाहर का इक्विपमेंट यूज़ करके और धीरे धीरे अपना जो लेवल है, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा कर सके। जो बेसिक कम्युनिटी की कमी है क्रिकेट स्पोर्ट्स को लेकर बिहार में, उसको जल्दी से पाटें। जो एसोसिएट ग्रुप के मैचेस चल रहे हैं उसमें बिहार हर वर्ग अंडर 16-19 में टॉप कर रहे हैं। अभी अंडर 16 के बच्चे बिहार में जो मैचेस हुए एसोसिएट के, वो सारे में चैंपियन हुए। जो व्यूअर्स होंगे, जो क्रिकेटर्स होंगे, आप उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज बस बता दें। कमिटमेंट, द वर्ड इज कमिटमेंट। कोई भी चीज़ में कमिटमेंट अगर आपका रहेगा तो आप आगे निश्चित ही बढ़ोगे। क्रिकेट कमिटमेंट मानता है,
आपको प्राइमरी लेवल पर आपका क्या ज़रूरी है, बेसिक क्या है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्रिकेट आप किस लेवल पर खेलना चाहते हैं। आपको क्रिकेट से रेलवे का नौकरी, एजी ऑफिस में नौकरी करना है, तो मेरे हिसाब से क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। एक गोल होना चाहिए इंडिया खेलने का। अपने स्टेट की बात ही कुछ और होती है, मतलब अपना होम स्टेट और वहाँ एप्लीकेशन मिला है, तो मतलब अब तो बहुत मेहनत करनी है और कोशिश करना है रणजी टीम और अच्छा खेले भी यार।